आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्रिएटेड विद फ्री वर्जन फॉर नॉन कमर्शियल यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो वेट लूज है, यानी आज हम आपको मोटापे से निजात का एक बेहतरीन टोटका बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप वेट लूज टी घर पर तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से उस वेट लूज टी के इस्तेमाल से आप बआसानी सिर्फ 2 हफ्ते में अपना वजन कम कर सकते हैं, मोटापे से निजात पा सकते हैं और पेट की चर्बी जो है इससे काफी हद तक आपको जो है फायदा होगा। आपकी पेट जो है आपका पेट 4 से 5 इंच कम हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टोटका है, इस टोटके के किसी भी किस्म के मुजर असरात नहीं है, नुकसानात नहीं है। अब हम आपको इस चाय को बनाने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से आपने ये चाय घर पर तैयार करनी है, चाय में कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले तो इस चाय में मैं एक बात बताता चलूं, जो चीनी है इसमें हमने ये आप चाहें तो इस्तेमाल कर लें, ना चाहें तो नहीं करें। वैसे मेरा यही आपको मशवरा है कि आप चीनी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि चीनी जो है वो वजन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, वजन कम करने के लिए नहीं। इसलिए इस टोटके में हम चीनी इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्यों अगर आपको वेट लूज टी वैसे नहीं पसंद तो आप थोड़ी सी हसबे जरूरत चीनी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी के अलावा। इसमें हम 2 कप पानी चाहिए होगा हमें, और अदरक हमने चाहिए, थोड़ी सी अदरक चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। नाज़रीन हमने करना ये है कि हमने पहले जो 2 कप पानी है उसे उस पानी को बॉयल करना है, अदरक को छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल देने हैं। जब पानी 2 कप से 1 कप हो जाए तो उसे हमने चूल्हे से उतार लेना है, और चूल्हे से उतार लेने के बाद उसे जब वो ठंडा हो, ठंडा यानी नीम गर्म हालत में हो तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस्तेमाल इसे कब करना है। हमने इसे इस्तेमाल करना है दिन में 2 दफा। अब मैं आपको सबसे पहले तो मैं चाय आपको बना कर दिखाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी चाय तैयार है, इसे इसका ऐसा ही जायका हो, ऐसा ही आप इसका कलर होगा और इसका जायका जो है वो, क्योंकि हम इसमें अदरक डालेंगे इसलिए इतना खास नहीं होगा। मैंने इसमें चीनी नहीं मिलाई और अदरक के मैंने इसमें टुकड़े जो हैं वो सिर्फ 3 टुकड़े डाले थे। आप चाहें तो ज़्यादा टुकड़े डाल सकते हैं, बारीक बारीक 4 टुकड़े 5 टुकड़े 6 टुकड़े, तकरीबन आपने कोशिश करनी है आप 6 से 10 के दरमियान टुकड़े डालें ताकि आपकी जो चाय है वो अच्छी बने। मैंने ये चौंकी इसलिए बनाई कि आपको तरीका बता दूं और बता दूं किस तरीके से बनानी है और कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका कार ये है कि आप चाहें तो इसमें दिन में 2 मरतबा पी सकते हैं, यानी एक सुबह 10 बजे और दूसरा 4 बजे, या आप रात को सोने से पहले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन टाइम है वो नाश्ते से 2 घंटे बाद, यानी तकरीबन सुबह 10 बजे और दोपहर को 4 से 5 बजे के आप पी सकते हैं। उस दौरान ये ज्यादा फायदेमंद होगी, दिन में चाहे तो 1 दफा पी लें, आप चाहे तो 2 दफा पी लें। ये आप पर मुनहसर करता है कि आप कितनी दफा इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी ये बहुत ही बेहतरीन चीज है वजन कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। इससे आप बआसानी वेट लूज कर सकते हैं, इससे जरूर आजमाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। Created with free version for non-commercial use. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं अंधेरों में हूँ तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा सर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। Oh, 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 oh.
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ ہیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔